अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर आने का शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो एक दफ़ा फिर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से है। आज हम बात करेंगे मीज़ान बैंक की कि मीज़ान बैंक का बचत अकाउंट क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या प्रॉफिट है और कैसे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ये अकाउंट किन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं मीज़ान बैंक के बारे में, इनके मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स भी दे दूंगा इस हवाले से। तो बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं मीज़ान बचत अकाउंट की, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप पहली दफ़ा हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, मीज़ान बचत अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको इंटरेस्ट फ्री प्रॉफिट मिलेगा और आप सबसे बड़ी बात यह कि कभी भी अपनी रकम को विथड्रॉ करवा सकते हैं क्योंकि ये कोई टर्म डिपॉजिट नहीं है और बेसिकली ये एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है। और ऐसे तमाम लोग जो सैलरीड पर्संस हैं या घरेलू खवातीन हैं या रिटायर्ड अफराद हैं वो लोग इजीली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी बचत जो है यहाँ पे रखवा सकते हैं और उस पर हलाल मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अब दीगर क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं इस अकाउंट के, वो हम चल के देखते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस अकाउंट के की फीचर्स सबसे पहले देख लेते हैं। फ्री चेकबुक आपको इसमें दी जाएगी, फ्री पे ऑर्डर्स की फैसिलिटीज़ हैं और फ्री इंटरनेट बैंकिंग है और मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट जो है वो है 50,000। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, प्रॉफिट पेमेंट आपको दी जाएगी मंथली बेसिस के ऊपर और जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो डेली बेसिस के ऊपर होगा। यानी इसमें यह है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तारीख को 30,000 रुपये पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और 3 तारीख को अगर 15,000 रुपये पड़े हुए आपके अकाउंट में तो उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि जो भी करंट आपका अमाउंट है या बैलेंस है उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। और बाकायदा ये एक इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, बचत अकाउंट है, इसके ऊपर फतवा भी मौजूद है वेबसाइट के ऊपर और ये मुदारबा बेस्ड अकाउंट है। और मुदारबा में ये होता है कि कस्टमर जो होता है वो एज ए इन्वेस्टर होता है जिसको रब्बुल माल कहा जाता है और बैंक जो है वो मुदारिब कहलाता है और एज ए मैनेजर वो आपके जो फंड डिपॉजिट्स हैं उसको आगे इन्वेस्टमेंट करता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस कंपनी को होता है या बैंक को होता है वो आपस में 50% शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये इन्होंने मैंशन भी किया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखिए, बैंक विल शेयर 50% ऑफ ग्रॉस इनकम एज मुदारिब और डिपॉजिटर विल शेयर 50% ऑफ ग्रॉस इनकम एज रब्बुल माल। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो लास्ट मंथ प्रॉफिट दिया गया फरवरी 2021 में इस अकाउंट के ऊपर तो वो है 1 रुपए से लेके अगर 5 लाख रुपए तक का आपका डिपॉजिट है तो उसके ऊपर 2.76% प्रॉफिट पे किया गया। और अगर आपका बैलेंस 5 लाख या उससे अबव है, 25 मिलियन तक है तो 2.94% प्रॉफिट पे किया गया फरवरी में। अच्छा, ये प्रॉफिट रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अभी तो खैर कम जा रहा है प्रॉफिट, 2.94% में मैक्सिमम गया है इस अकाउंट के ऊपर, लेकिन ये 4 or 5% तक भी जाता है अगर हम इसके हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स को देखें। ये देखिए मीज़ान बचत अकाउंट, इसके ऊपर इन्होंने जो प्रॉफिट दिया है 7% भी दिया है, लेकिन 7.6% लिखा हुआ है, 7.25% है, लेकिन ये जो दिया गया ये दिया गया था फरवरी 2020 में, यानी पिछले साल का ये प्रॉफिट रेट आपको मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये कम ज़्यादा होता रहा है, 3.25% भी गया है, 4% भी गया है, 5% भी है और अभी करंटली जो है 2.76 और 2.94% है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि इकनॉमी जो है वह आहिस्ता आहिस्ता संभल रही है पाकिस्तान की, तो इन फ्यूचर होपफुली ये प्रॉफिट रेट आपका फिर से 4 या 5% तक जा सकता है। तो बहरहाल बात यह है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कोई बचत है, पैसे आपने घर में ऐसे रखे हुए हैं तो उनको आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ये नहीं होगा कि घर पर रखे रखे आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाए, तो आप इसको एज ए इन्वेस्टर देखें और इससे आप फ़ायदा उठाएँ। मीज़ान बैंक का बचत सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए 2 प्रोसेस हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, डाउनलोड फॉर्म करें, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने डाउनलोड प्रिंट फिल फॉर्म, आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद से फिल आउट कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं और इनकी ब्रांच में जमा कराएं। दूसरा ये है कि आप विजिट अ ब्रांच, डायरेक्ट आप ब्रांच चले जाएं और वहाँ पर जाके आप
इनका फॉर्म फिल करके और रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपके पास हो, आपका आईडी कार्ड वैलिड हो, ये चीज़ें आप शो करने के बाद अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके इलाके में कोई मिज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद नहीं है तो आप ब्रांच लोकेटर के ऑप्शन में जाके अपने एड्रेस को डाल के आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है। और इसके अलावा आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं info@mizanbank.com के ऊपर, और इनका हेल्पलाइन का नंबर ही मौजूद है 111-331-331 और 111-331-332। यहाँ से भी आपको मालूमात मिल जाएंगी। तो व्यूवर्स, मेरा मकसद था आपको इन्फॉर्मेशन देना, एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अवेल कर सकते हैं मिज़ान बचत अकाउंट ओपन करवा के। तो व्यूवर्स, आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।